दोस्तों अग्नि 5 के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अग्नि 5 इंडिया का सबसे अधिकतम रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज करीबन 5 से 8000 किलोमीटर है, पर इंडिया द्वारा दावा किया जाता है कि इसका रेंज सिर्फ 5000 किलोमीटर है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इससे भी अधिक रेंज का दो मिसाइलों के ऊपर इंडिया काम कर रहा है? एक है अग्नि 6 और दूसरा है सूर्या। दोनों ही मिसाइल रेंज और पेलोड के मामले में समान है, पर ऐसा क्यों है कि इंडिया दो अलग अलग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है? तो दोस्तों, मैं हूं अनु, पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल के बीच में क्या क्या समानताएं हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है। दोस्तों, अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों में ऐसा बहुत सारे समानताएं मिल जाएगा जिससे आप लोगों को लग सकता है कि क्यों भारत एक ही तरीके का लेकिन दो अलग अलग मिसाइल पे काम कर रहा है। पर इन दोनों मिसाइल में इतना भी समानताएं नहीं है कि दोनों को एक ही मिसाइल हम बोल पाए। दोनों मिसाइल में क्या क्या डिफरेंस है और किस पर्पज में दोनों अलग अलग मिसाइलों को डिजाइन किया जा रहा है, इसके बारे में जानने से पहले चलिए हम लोग दोनों मिसाइल के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री को जानते हैं। अग्नि 6 का छठा मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंडर आने वाला स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए बनाया जा रहा है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल फोर्थ स्टेज में काम करता है और माना जा रहा है कि इस मिसाइल का हार्डवेयर के ऊपर फिलहाल काम शुरू किया गया है और डिजाइन फेज कम्प्लीट हो चुका है। अग्नि 6 मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल के साथ साथ मेन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक ही मिसाइल के द्वारा एक से अधिक अलग अलग टारगेटों के ऊपर हमला करने के साथ वॉरहेड को जरूरत पड़ने पे अलग अलग दिशा में मैन्यूवर करके भी टारगेट के ऊपर दागा जाना संभव हो पाएगा। और माना यह भी जा रहा है कि ये मैन्यूवर के द्वारा अग्नि 6 मिसाइल को रेंज में कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रेंज के बारे में और वॉरहेड टाइप के बारे में DRDO द्वारा कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए अग्नि 6 को कितना फायदा होगा इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं दिया गया है। अग्नि 5 का सक्सेसफुल परीक्षण के बाद DRDO की तरफ से इसका नेक्स्ट स्टेज मतलब अग्नि 6 के ऊपर काम करना शुरू किया गया है और माना जा रहा है जल्द ही इसका परीक्षण भी किया जाएगा। बहुत सारे पब्लिक फॉर्म में यह भी बताया जा रहा है कि अग्नि 6 मिसाइल में करीबन 10 MIRV का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसके बारे में DRDO कभी भी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया है। रेंज के बारे में भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है और इन कंट्रोवर्सियों में से सबसे पुख्ता इन्फॉर्मेशन के तहत माना जा रहा है कि इसका रेंज करीबन 12000 किलोमीटर होगा, लेकिन इसका रेंज के बारे में भी DRDO कोई भी खुलासा नहीं कर रहा है और DRDO कभी भी इस मिसाइल के रेंज के ऊपर कोई दावा नहीं किया है। पर DRDO का कहना है कि अग्नि 6 मिसाइल में एडवांस सीकर्स, बेहतरीन लॉन्चिंग सिस्टम और जल्द से जल्द डिप्लॉयमेंट के साथ इजी टू डिप्लॉयमेंट भी किया जाना संभव होगा। साथ ही साथ मिसाइलों को लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ साथ सबमरीन से भी दागा जाना संभव हो पाएगा। वही फिर सूर्य मिसाइल का हिस्ट्री को देखें तो ये इंडिया का कॉन्सेप्टेड सबसे पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सूर्य मिसाइल इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर काम 1994 में शुरू किया गया था। चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा और अलग अलग रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को परीक्षण करने के बाद इंडिया द्वारा 90s में ही डिसाइड किया गया था कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम किया जाए, जिसका नाम बाद में सूर्या मिसाइल रखा गया था। जबकि 2010 तक इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगा और चोरी छुपे 2010 तक इसके ऊपर काम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या मिसाइल ट्रेडिशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जगह एक सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। और रिपोर्ट का यह भी कहना है कि इस मिसाइल का अधिकतम रेंज 12 से 16000 किलोमीटर के बीच में होगा। दोस्तों, सूर्या मिसाइल का डेवलपमेंट में बहुत लंबा समय लगा है और अब तक पता नहीं इस मिसाइल का डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा है और क्या इंडिया के पास ये मिसाइल एक्टिवेटेड है कि नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पर बहुत लोगों का मानना यह है कि 1994 में इंडिया के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ना होने के वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मतलब सूर्या को डेवलप करने में इतना ज्यादा समय लगा, इसीलिए कुछ सालों तक इस मिसाइल का डेवलपमेंट को रोका गया और अग्नि सीरीज के मिसाइल के ऊपर ध्यान दिया गया। जबकि अग्नि 5 का सक्सेसफुली परीक्षण होने के बाद सूर्या मिसाइल के ऊपर फिर से काम शुरू किया गया है। पर इस तरीके का रिपोर्ट के अलावा दूसरा रिपोर्ट ये भी बताता है कि सूर्या मिसाइल को असल में इसरो के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला PSLV के बेस पे ही बनाया जा रहा था और इसी वजह से सूर्या मिसाइल शायद बन के रेडी है और इंडिया के पास है। चलिए दोस्तों, अब जानने का कोशिश करते हैं कि दोनों मिसाइलों का स्पेसिफिकेशन क्या है जिससे आप लोगों को दोनों मिसाइल के परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और कैपेसिटी के साथ साथ दोनों मिसाइल
के डिफरेंस के बारे में भी पता चलेगा। वैसे अगर देखे तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी कोई भी देश पब्लिक फोरम में नहीं देता है, पर फिर भी कॉन्सेप्चुअली या बोले तो कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट के तहत बहुत सारा जानकारियों को पब्लिक फोरम में अवेलेबल किया जाता है, जिनमें से ज्यादातर तो जिसका सटीकता तो इतना नहीं होता है कि मिसाइल का कॉन्फ़िगरेशन या मिसाइल के सीक्रेट रिलेटेड कोई भी डेटा किसी भी दूसरे कंट्री को पता चले, लेकिन फिर भी पब्लिक को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और वैसे ही इन्फॉर्मेशन के तहत अग्नि 6 के बारे में बताया जाता है कि इसका वजन करीबन 55,000 से 70,000 किलोग्राम के बीच में है, जबकि सूर्या मिसाइल का वजन 55,000 या फिर उसके आसपास का है। अग्नि मिसाइल का लंबाई 20 मीटर से लेकर 40 मीटर के बीच में है, जबकि इसका डायमीटर करीबन 2 मीटर का है। वहीं पे सूर्या मिसाइल का लंबाई बोला जाता है करीबन 40 से 44 मीटर के बीच में होगा और इसका डायमीटर 1.1 मीटर है। कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि अग्नि 6 एक 4-स्टेज मिसाइल होगा, जबकि 2012 में पब्लिश हुआ एक रिपोर्ट के तहत हमें जानने को मिला है कि DRDO द्वारा डेवलप किए जाने वाला अग्नि 6 मिसाइल एक 3-स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि सूर्या मिसाइल एक 3-स्टेज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें पहला और दूसरा स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करना है, जबकि तीसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करना है। वॉरहेड कैपेसिटी को देखें तो अग्नि 6 मिसाइल का पेलोड कैपेसिटी करीबन 3 टन है और इसमें मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल के साथ साथ मैन्युवरेबल रीएंट्री व्हीकल का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि सूर्या मिसाइल का पेलोड कैपेसिटी 2 से 2.5 टन है। साथ ही साथ इसमें MIRV या फिर MARV का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल को DRDO द्वारा लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ साथ सबमरीन से भी इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि इस मिसाइल का अधिकतम लंबाई 20 मीटर या उससे थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा ऊंचाई का मिसाइल को सबमरीन में फिट किया जाना लगभग नामुमकिन होता है। जबकि सूर्या मिसाइल के डेवलपमेंट के समय भी बताया गया था कि इस मिसाइल को लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ साथ अंडर वाटर बेस्ड कैनिस्टर लॉन्चर के अलावा सबमरीन से भी लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, लेकिन 40 से 44 मीटर का लंबाई वाला मिसाइल को सबमरीन में फिट करना कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जबकि बहुत सारा रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि सूर्या मिसाइल का ही 2 स्टेजों को इस्तेमाल करते हुए DRDO द्वारा एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलप करने के बारे में सोचा गया था, जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जाना संभव हो पाए। अब सवाल उठता है कि क्यों इंडिया 2 अलग-अलग पर एक ही रेंज का मिसाइल के ऊपर काम कर रहा था। वैसे अगर देखें तो सूर्या मिसाइल को 1994 में ही डेवलप करने का काम शुरू किया गया है, जबकि 2012 में अग्नि 6 के मिसाइल के बारे में DRDO ने जानकारी दिया था। दोस्तों, दोनों अलग अलग मिसाइलों को डेवलप करने के पीछे इंडिया का 2 अलग-अलग मकसद था। जहां पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को 1994 में सूर्या मिसाइल के साथ शुरू किया गया था, वहीं पे मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं होने के वजह से ये प्रोग्राम काफी डिले हो गया, जबकि इसके बाद अग्नि सीरीज के मिसाइल के ऊपर काम शुरू किया गया और इसको ही आगे बढ़ाते हुए अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम स्टार्ट किया गया। पर अगर देखे तो अग्नि सीरीज का मिसाइल का इरादा असल में सूर्या मिसाइल से ही आया है। सूर्या मिसाइल को अधिक से अधिकतम रेंज के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पे अग्नि 6 मिसाइल को एक हद तक रेंज के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के इरादे से भी बनाया जा रहा है, जिनमें लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर के अलावा कैनिस्टर लॉन्चर और सबमरीन बेस्ड लॉन्चर भी शामिल है। सूर्या मिसाइल को बना लिया गया है कि इसके प्रोजेक्ट को अग्नि 6 आने के बाद खत्म किया गया है, इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, जबकि कुछ साल पहले ये भी एक रिपोर्ट आया था कि सूर्या मिसाइल के प्रोजेक्ट को अग्नि 6 मिसाइल के साथ मर्ज कर लिया गया है और दोनों मिसाइल के थ्योरी को मिला के एक ही मिसाइल डिजाइन किया जा रहा है। पर इसके पीछे भी कितना सच्चाई है ये भी सही तरीके से बताया नहीं जा सकता है। सूर्या मिसाइल जहां पे एक सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बेस्ड बेहतरीन मिसाइल है, वहीं पे इसका लिक्विड फ्यूल के द्वारा माना जा रहा था कि आखिरी स्टेज को एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तरह डेवलप किया जाएगा, जिसके द्वारा ये हाईली मैन्युवरेबल होके टारगेट के ऊपर हमला कर सके और आसानी से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के पकड़ में ना आए। जबकि इसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट को ही अग्नि 6 मिसाइल में अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम मैन्युवरेबल रीएंट्री व्हीकल के नाम से जानते हैं। और इस तरीके का कुछ छोटे छोटे बात ही ये शक करने पे मजबूर कर रहा है कि दोनों मिसाइलों को शायद मर्ज कर दिया गया है, पर फिर भी दोनों मिसाइलों के रेंज और पेलोड कैपेसिटी के अलावा दोनों मिसाइलों के बनाने के पीछे पर्पोज भी अलग अलग होने के कारण से दोनों मिसाइलों को हम अलग अलग मिसाइल बोल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में DRDO के द्वारा इस मिसाइलों को लेके क्या किया जाएगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से सूर्य मिसाइल सालों पहले
डेवलप हो चुका है और हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों अलग अलग मिसाइल है कि दोनों को एक मिसाइल में कन्वर्ट कर दिया गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।